जयमा शारदे, नमस्कार मेरे मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी, शारीरिक बंधन के लिए वो उपाय है। जो लोग जिन महिलाओं का घर में काम करने में मन नहीं लगता है और जिनके आदमी पुरुष आमतौर से घर में पड़े रहते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो काम करना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए ये विधि है। बहुत ही सरल है और बहुत ही कम पैसों में है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे बेइज्जती है। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके लिए आपको क्या सामग्री चाहिए मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको एक नींबू चाहिए जो आसानी से मार्केट में आपको बहुत ही कम रेटों में मिल जाता है, और कपूर बहुत सारी महिलाएं पूजा में इस्तेमाल करती है, वही कपूर चाहिए। देखिए ये देखिए इस टाइप का कपूर होता है। और चाकू चाहिए और माचिस चाहिए। इन दोनों चीज की आवश्यकता आप जब बाहर जाएंगे तो पड़ेगी। आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये नींबू लेना है। और जिन महिलाओं या पुरुषों को ये कष्ट है कि उनका शारीरिक बंधन, उनको लगता है कि उन्हें कुछ किसी ने कुछ करवा दिया है तो उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो उनको ये नींबू लेना है और उनके ऊपर से ये नींबू सात बार एक ही तरफ से उतारना है, उल्टा नहीं पाएंगे, सीधा ही सीधा सात बार घुमाएंगे। फिर इस नींबू को आप उतार लेंगे और उतार के चौराहे पे लेके जाएंगे, किसी सुनसान जगह वहां लेके जाएंगे। और ये क्रिया आपको मंगलवार वाले के दिन करना है। मंगल के दिन इसको लेकर के जाएंगे चौराहे पे। अब देखिए मैं आपको इस नींबू को काटने की विधि बताऊंगी कि कैसे इसको काटना है। कुछ लोग ऐसे काट देते हैं, कुछ लोग यूं काट देते हैं, कुछ लोग ऐसे। इसकी काटने की भी एक विधि है। तो मैं आपको ये नींबू लेंगे, उतारने के बाद आप इसको चौराहे पे लेके जाएंगे, रात को लेके जाएंगे। अगर हो सके तो 12 बजे ले जाइएगा, तो 6 से 12 के बीच का समय है, शाम संध्या के टाइम। और लेंगे इस नींबू को चाकू से लेके ऐसे काटेंगे जैसे मैं आपको काटना बता रही हूं। पूरा नहीं कट करेंगे नींबू को, पूरा नहीं कट करेंगे, ठीक है। जब ये नींबू कट जाएगा तब इसके ऊपर आपको कपूर रखना है, ऐसे दो भागों में करके। यहाँ आप कपूर रखेंगे ऐसे करके, और फिर माचिस लेंगे और चौराहे पे ही प्रिय प्रक्रिया आपको करनी है। चौराहे पे ही माचिस से इसको कपूर को जला देंगे और वहीं पे ही छोड़ देंगे, और बिना बोले वहां से फिर आप वापस आ जाएंगे। बोलेंगे नहीं, ये क्रिया आपको शांत करना है। जब आप घर से भी जाएंगे नींबू लेके तो शांत रहेंगे, जो आपको काम करना है किसी के रूम में बात नहीं करनी है, सीधे जाकर के नींबू को काटना है और काट के कपूर डाल के उसमें जला देना है। ऐसा करने से शारीरिक बंधन का दोष आपका जो है वो दूर हो जाएगा। और इस क्रिया को मंगलवार के दिन करिएगा, कोशिश करिएगा कि इस क्रिया को कम से कम 3 बार जरूर।